जंगल के पेड़ों में एक दिन यह बहस छिड़ गई कि उन सब में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। सभी पेड़ अपने आप को दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली बतलाने लगे। बरगद के पेड़ ने कड़क आवाज में कहा, तुम सब मेरे सामने बच्चे हो, भला मुझसे ज्यादा शक्ति किसमें हो सकती है? मेरी तो एक एक शाखा ही मजबूत पेड़ के समान है। मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, मैं वर्षों से अड़िग खड़ा हूँ। पीपल के पेड़ ने कहा, बरगद भाई आपका कहना ठीक है, लेकिन उम्र में तो मैं भी कोई कम नहीं और मजबूती में भी बेजोड़ हूँ। सब पेड़ों में मैं ही पवित्र माना जाता हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे ईश्वर मानकर पूछते हैं। दोनों की बात सुनकर सागौन का पेड़ बोला, अपने मुंह मियां मिट्ठू भला मैं क्यों बनूं? मेरी मजबूती तो जग जाहिर है। जितनी भी मजबूत वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन सब में मेरी लकड़ी ही उपयोग में आती है। ताकत में तो मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और भरोसेमंद भी। अचानक पहाड़ों पर उगने वाला देवदार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह बोला, तुम सबकी बातें सुनकर बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या मेरी ताकत के बारे में तुम्हें नहीं पता? मैं तो पहाड़ों पर ही उगता हूँ। सोचो, मैं इतनी ऊंचाई पर रहता हूँ, मेरे जितनी ठंड तुम सहन भी नहीं कर पाओगे, भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? ताकतवर होने का यह झगड़ा केवल इन पेड़ों के बीच नहीं था। आम, नीम, महुआ और बबूल के पेड़ भी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ अर्थात बड़ा होने का राग अलापने लगे। सबसे ज्यादा गुस्से में बांस था। उसने कहा, मेरे यहाँ रहते कोई दूसरा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या जंगल के पेड़ों को पता नहीं कि मेरे बल पर ही ताकत का फैसला होता है? जानते हो, मैं जिसके पास होता हूँ वह अपने आप ही ताकतवर कहलाने लगता है। तभी तो लोग कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जमीन पर उगी धूप बहुत देर से इन सब पेड़ों की लड़ाई सुन और देख रही थी। धूप का मन बड़ा ही कोमल था। वह बोली, तुम सब इतने बड़े होकर भी आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हो? ताकत का घमंड कभी अच्छा नहीं होता। जो ताकत का घमंड करता है वही सबसे अधिक कमजोर होता है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ धूप की बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया। धूप अपना मन महसूस कर चुप हो गई। वह सोचने लगी, अधिक ताकतवर तो अपनी धरती माता है, जिन्होंने इन सभी का भार अपने कंधों पर एक साथ उठा रखा है। लेकिन धरती माता ने तो कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं किया। जब जंगल के पेड़ों में ताकत को लेकर होड़ होने लगी तो वे अपना कर्तव्य भूल गए और सबने फलना फूलना छोड़ दिया। अब उनमें एक दूसरे के प्रति नफरत और अहंकार फलने फूलने लगा था। लेकिन धूप हर रोज धरती पर फैलने और बढ़ने की कोशिश करती थी ताकि जंगल के नन्हे जानवर मुलायम धूप पर चौकड़ियां भर सकें। एक दिन जंगल में तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उसने अपने सामने खड़ी हर वस्तु को रौंद दिया। पेड़ों ने अपने घमंड में समझा कि तूफान के सामने झुक जाने पर हम कमजोर साबित होंगे, इसलिए वे अकड़ कर खड़े रहे। तूफान पहाड़ों से गुजरता हुआ सबसे पहले देवदार के वृक्ष की ओर बढ़ा, फिर एक एक करके सभी पेड़ों को धराशायी करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो पेड़ जितना अकड़ कर खड़ा था उसे तूफान ने उतनी ही जल्दी उखाड़ दिया। जंगल का कोई भी पेड़ तूफान की शक्ति का सामना नहीं कर सका। हाँ, एक तू भी थी जिसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने शक्तिशाली तूफान को आता देख अपने आप को झुकाकर जमीन से चिपका लिया था। धूप तो वैसे भी विनम्र थी, घमंड तो उसमें था ही नहीं। उसने झुककर तूफान को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। इस विनम्रता का लाभ यह हुआ कि तूफान उसे बिना हानि पहुंचाए आगे बढ़ गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो धूप ने देखा कि जंगल के सभी पेड़ अपनी जड़ों से उखड़े पड़े दर्द से कराह रहे हैं। वह अकेली थी जो उन पेड़ों के बीच अपना सिर उठाए हवा के झोंके के संग खेल रही थी।